वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा यमुना एक्सप्रेस पे बनने वाले जेवर एयरपोर्ट के बारे में, जिसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है ज्यूरिख इंटरनेशनल एजी को। दोस्तों यह एनसीआर का तीसरा एयरपोर्ट होगा, इससे पहले इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गाज़ियाबाद का हिंडन एयरपोर्ट से अभी तक फ्लाइट ऑपरेशन चल रहा है। आईजीआई एयरपोर्ट से प्रपोज्ड जेवर एयरपोर्ट की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। यह एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे के जेवर टोल प्लाजा से काफ़ी नज़दीक पड़ेगा। इस एयरपोर्ट के निर्माण से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पैसेंजर और फ्लाइट का लोड कम हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कई विमानों का ऑपरेशन यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए चार कंपनियों ने बिड किया था, जिसमें अडानी ग्रुप, एनकोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर होल्डिंग लिमिटेड और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि DIAL शामिल थे। ज्यूरिख एयरपोर्ट ने पर पैसेंजर 400.97 रुपीज़, डायल ने 351 रुपीज़, अडानी ग्रुप ने 360 और एनकोरेज ने 205 रुपीज़ की बोली लगाई थी। पर पैसेंजर फीस वो होती है जो एयरपोर्ट का मेंटेनेंस करने वाली कंपनी पैसेंजर से वसूलेगी और इसे सरकार के पास जमा कराएगी। जेवर एयरपोर्ट का नाम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा और जब यह एयरपोर्ट पूरी तरह से बन जाएगा तो यह 5000 हेक्टेयर में फैला रहेगा। इसे बनाने में 29,560 करोड़ रुपये खर्च होंगे और पूरी तरह बन जाने के बाद यह भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसके 84% लैंड एक्विजिशन हो चुका है। वर्ष 2022-23 में दो रनवे बनकर तैयार हो जाएगा और इसे फ्यूचर में 6 रनवे तक एक्सपेंड किया जाएगा। प्रपोज प्लान के अनुसार 5 मिलियन पैसेंजर पर ईयर हैंडल किया जाएगा, जो अगले 30 वर्षों में 60 मिलियन पैसेंजर पर ईयर तक एक्सपेंड किया जा सकेगा। अगले महीने यानी अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसका शिलान्यास करेंगे और इस प्रोजेक्ट का फेज़ वन अगस्त 2021 में ही स्टार्ट होने की उम्मीद है। इस एयरपोर्ट को दिल्ली से कनेक्ट करने के लिए दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन रूट पर जेवर में स्टेशन भी बनाया जाएगा। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा से मेट्रो के जरिए भी इसे कनेक्ट किया जाएगा। एयरपोर्ट के पास ही बनने वाले फिल्म सिटी को पॉट टैक्सी के जरिए एयरपोर्ट से कनेक्ट करने की योजना पर भी काम चल रहा है और दिल्ली मेट्रो को भी फरीदाबाद बल्लभगढ़ पलवल जेवर रूट बनाने की योजना है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट अपडेट जल्दी ही आने वाला है।